समाचार प्लस के ऑफिस में इस वक्त हमारे बीच हैं द वेरी सुपर टैलेंटेड सिंगर नवराज हंस। नवराज समाचार प्लस में और नवाबों के शहर में तहे दिल से इस्तकबाल आपका, मुस्कुराएं आप लखनऊ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। नवराज, सबसे पहले तो आप नवाबों के शहर में आज फर्स्ट टाइम आए हैं, तो कैसा लगा यहाँ पर आकर? और यहाँ की जो कल्चर है, जो बहुत सुना है ना, नजाकत, नफासत, तहजीब, वो कितना आपने फील किया यहाँ पे? तहजीब के मामले में कमाल लोग हो आप सब। बहुत मजा आ रहा है मुझे, जैसे मैं एयरपोर्ट से उतरा वाइब्स ही अलग हैं सिटी की, बहुत एक आती है वो फील नवाबों वाली, यू नो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस अभी मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी शाम और गहरी हो जाए तब मैं खाना खाने जाऊंगा किधर। तो आपसे ही जानेंगे कि आप आज लखनऊ में हो, किस सिलसिले में हो, ये बेहतर है कि आप अपने फैंस को अपनी जुबानी बताएं। मैं एक्चुअली एक रियलिटी शो कर रहा हूँ जिसका नाम है लव मी इंडिया, जो NTV पे आएगा, और नॉर्थ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ नॉर्थ कैप्टन, नॉर्थ का कैप्टन। तो उसी सिलसिले में हम आए हैं, उसका कॉन्सर्ट है, जो मेरी टीम के 20 बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं उनको रिवील करेंगे सबके सामने, वो आएंगे लोग के ये बच्चे हमने नॉर्थ जोन से सेलेक्ट किए हैं। तो उसी सिलसिले में मैं लखनऊ में आया। तो वो जो एक टैलेंट जो आप खोज रहे थे, दैट टैलेंट इन सिंगिंग, लगा है आपको इस बार मिला है बच्चों में? बहुत ज़बरदस्त, हमारे लिए मुश्किल था कि कौन से 20 बच्चे रखने चाहिए, इतनी ज़बरदस्त टैलेंट है नॉर्थ में। नॉर्थ को एक दुआ है, शायद बड़े बुजुर्गों की दुआ है पूरे नॉर्थ को, कि हर तरह का टैलेंट है इस जगह पे। तो मैं बहुत खुशकिस्मत फील करता हूँ कि मैं नॉर्थ में पैदा हुआ। और आप नॉर्थ में आज आए भी हैं, तो ये बताएं कि यहाँ का जो जायका है वो तो दूर दूर तक फेमस है, तो आई एम श्योर बीइंग अ पंजाबी यू आर अ फूडी एज वेल, तो क्या खाने वाले हैं आज यहाँ पे आप? एक्चुअली मुझे ज़्यादा पता नहीं था यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैंने अभी आलोक पांडे जी जो आपके ब्यूरो हेड हैं उनसे मैंने बात की जब आप थोड़ी बिजी थी इधर उधर, तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाऊँ खाने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताई एक दो जगह, वो मैं आपको बता नहीं सकता अभी क्योंकि मैं अकेला खाने जा रहा हूँ। मतलब हमारे ही ब्यूरो हेड से इन्होंने पूछा है और ये हमसे शेयर नहीं कर सकते, दिस इज नॉट डन, लेकिन ठीक है कोई नहीं, अब दोनों ही फूडी हैं तो चलेगा। हाँ, शायद आलोक भाई मुझे वहां मिले। अच्छा नवराज, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके फादर भी एक बेहतरीन सिंगर है, जाहिर है आपने उनसे भी सीखा होगा, फ्रेंड के साथ वो आपके उस्ताद भी रहे हैं, तो बिल्कुल डांट वांट तो पड़ती रहती होगी ना बीइंग उस्ताद के मोड में जब होते होंगे वो? हाँ जी, वो फादर जब एक जो अच्छा फादर होता है वो अपने बच्चों को सही चीज़ें बताता है। उन्होंने हमें बहुत मस्ती कराई, बहुत एक्सपोजर दिया लाइफ में, हर चीज़ दुनियावी चीज़ हर प्रोवाइड की हमें, है ना। तो पर जब व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, ओ माय गॉड, ही इज सो स्ट्रिक्ट, तो फिर तो जूतियाँ जूतियाँ पड़ती रहती हैं, आम बात है। नवराज, आपको लगता है कि आज के जमाने में देखिए टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सबको, बहुत से ऐसे सिंगर्स होते हैं जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं बट जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, जब तक उनके सर पे गॉड फादर या किसी का हाथ नहीं होता है, तो इस चीज को क्या आप मानते हो? क्योंकि हमने बहुत ऐसा सुना है कि हाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं किसी रीजन से। मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि माइक पे तो आपको ही परफॉर्म करना है, चाहे आपका गॉडफादर जितनी मर्जी आप पे पैसे लगा दे, जो सच्चाई है, जो अच्छा गाने वाले हैं, मैं गिमिक की बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो है ऑटो ट्यून वाले सिंगर जो हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं, पर जो सच में सीखे हुए लोग हैं वो हमें जब तालीम दी जाती है सबसे पहले यही बताया जाता है कि स्टार बनने की तरफ मत जाना, सिंगर बनने की तरफ जाना। अगर सिंगर बनोगे तो स्टार कभी ना कभी बन ही जाओगे। अभी क्या प्रॉब्लम क्या है कि हर बच्चा उठ के सीधा स्टार बनना चाहता है कि बस मुझे लोग जाने, मेरे साथ सेल्फियां कराएं, मेरे यू नो सोशल मीडिया बहुत मेरे लाइक्स आने चाहिए। वो सच्चाई नहीं है, लेकिन सच्चाई है आपका जब गला, जब आप गाओगे, जब आप बोलोगे, किसी से बात करोगे, तो जो बात आपके काम ने कर देनी है वो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवराज, हमने सुना है कि आपने सिंगिंग काफी लेट स्टार्ट की थी और आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, तो सिंगिंग के मोड में आ गए, तो ये आपके पिताजी का खौफ था या एक्चुअली यू वांटेड टू बिकम सिंगर आफ्टर बीइंग अ क्रिकेटर? नहीं नहीं पिताजी तो हर चीज में सपोर्ट करते थे मुझे। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन गेयर होता था, क्रिकेट गेयर, जो दुनिया का जो लोग सपने में सोचते हैं यार मेरे पास ऐसा बैट होना चाहिए, तो मुझे डैड वो प्रोवाइड करते थे। अच्छा। वो तब भी उतनी सपोर्ट करते थे, लेकिन जब मैं गाने लग गया तो क्योंकि वो ही वॉज नॉट अ क्रिकेटर, तो क्रिकेट की उनको इतनी मालूमत नहीं थी, लेकिन वो हर चीज प्रोवाइड कर सकते थे, पर गाने के तो वो उस्ताद हैं। तो जब गाना गाने लग गए हम तो फिर पीछे पड़ गए हाथ धो के, बस फिर उन्होंने मुझे बोला देख
मैं क्रिकेट के लिए तुझे पैसे भी देता था, हर चीज करता था, लेकिन गाने में तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। कभी मत मुझे बोलना कि मुझे म्यूजिक वीडियो के लिए पैसे ये वो, ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। नवराज, चलते चलते आप हमारे ऑफिस में मौजूद हैं, स्टूडियो में हैं, गाना आपसे सुने बिना हम आपको नहीं जाने देंगे, तो अपने फेवरेट सॉन्ग की 2 लाइन जरूर गुनगुनाएं। मेरे बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, लेकिन जो अभी दिमाग में आ रहा है वो सुनाता हूँ। किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, के तेरे विचों रब दिसदा, दिल करदा मैं तेनू देखी जावां, दिल करदा मैं तेनू देखी जावां, के तेरे विचों रब दिसदा। 15 अगस्त आने वाला है, पेट्रोटिज्म जाग जाएगा, क्या करने वाले हैं उस दिन? मैं जी मैं कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ूं उस दिन कि हमारा हमारे देश आज़ाद होने के बाद किन-किन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और हमारी जो आर्मी है, जो हमारे जवान हैं, वो क्या करते हैं। मेरे को वो क्यूरियोसिटी है, मैंने कभी जान मैंने आज से पहले कभी नहीं वो किया कि वो 15 अगस्त को क्या करते हैं। जो 15 अगस्त नहीं होता, जो 364 दिन बाकी होते हैं, वो उन दिनों में क्या करते हैं, मुझे वो जानना है, तो मैं वो स्टडी करूंगा उस दिन। नवराज, चलते चलते अपने फैंस और समाचार प्लस के दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। ऑल द वेरी थैंक बेस्ट, यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हम यही उम्मीद करेंगे कि यहाँ से, लखनऊ से और नॉर्थ से आपको वो टैलेंट मिले जो अभी तक हमारे पास नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमित सानी के साथ मैंने कहता सरीन समाचार प्लस के लिए।